पठानकोट जिले नूं टूरिस्ट हब बनाने दे लई सरकार दे वल्लों वक्रे वक्रे उपराले किए जा रहे हैं, जिस दे तहत अज पठानकोट दे एक पोया हल्के दे छोटे जिहे पिंड कोठी पंडतां दे विच नगर वन दा जिहड़ा कि उद्घाटन कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक दे वल्लों किया गया। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा इह नगर वन बनाया गया खास तौर पर एक पिकनिक स्पॉट ते टूरिस्ट प्लेस दा जिहड़ा कि मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इस नगर वन जिहड़ा कि नगर वन दे विच कई तरह के जिहड़े कि बूटे एक तरीके का जंगल ही बनाया होया अंदर ते देखण नूं अंदर पार्क भी बनाई गई है, कैफेटीरिया का प्रबंध किया गया है, अंदर बैठन का प्रबंध किया गया है, वाशरूम का अंदर प्रबंध किया गया है। वधिया तरीके नाल इस नगर वन का निर्माण किया गया। उत्थे दूजे पासे गल करिए 123 हैक्टेयर दे विच फैलिया होया नगर वन जिथे कि काफ़ी तरह के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। तो हुण इस नूं प्रॉपर तरीके नाल इहदा निर्माण किया गया, रस्ते बनाए गए हैं, अंदर बैठन का प्रबंध किया गया, खाण पीन का भी प्रबंध किया गया खास तौर के उत्ते। तो जिहड़े आस पास का एरिया आ उत्थे फुल बूटे तो घाह पौधे सारा कुछ उत्थे लगाया गया ता जो आने वाले लोगों के मन मोहया जा सके ते लोग इत्थे वध तों वध अपना टाइम स्पेंड कर सकन। लोग घूमने के लिए बहुत पहाड़ों पर जाते हैं, दूर जाते हैं, साढ़े कोल इत्थे दनेरे दे विच बहुत लोग जाते हैं, पर कोठी पंडतां दे विच शहर के बहुत नज़दीक लोग आके इत्थे पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस नूं नगर वन नूं वरत सकते हैं। तो नाल दी नाल इत्थे स्कूलों वालों भी खास प्रबंध किया गया कि स्कूल के बच्चे भी इत्थे पहुँच के जिहड़े साढ़े कुदरती पौधे ने उन्हां दे नाल जुड़िया जानकारियां हासिल कर सकणगे, जीव जंतुओं देख सकणगे। सो बहुत वधिया उपराला जिहड़ा कि सरकार दे वल्लों किया गया। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक आप इत्थे पहुँचे ने, उन्होंने अपने घर कमलों के नाल इस नगर वन का उद्घाटन किया है। और देखना यह है कि आने वाले समय दे विच इस नगर वन तो किन्ने क लोग लाहा लैंदे ने ते आने वाले समय दे विच इह जिहड़ा नगर वन है किन्ना क मशहूर हुंदा। सर अज पार्क दे विच आए जी, नेचर पार्क दे विच की कहना चाहुंदे? सब तो पहलो तो मैं पठानकोट दे जिला वासियां नूं अज एक बहुत ही खूबसूरत और एक कुदरती जिहड़ा नगर वन को समर्पित कर रहे हैं। अज पिंड कोठी पड़तां दे अंदर, पिंड कोठी पड़ता पठानकोट के बिल्कुल नाल लगता है। सो यह जड़ा पार्क है इहदियां बहुत ही वडमुलियां बरकत ने साडे पठानकोट जिले के लोगों लिए। सो मैं अज इहदी इनॉगुरेशन की है, मेरे नाल साडे अपने तवाड़ी साहब ने और साडे DFO धर्मवीर जी, सारी इन्हां दी टीम जिन्होंने पिछले 7-8 महीनों तो काफ़ी मेहनत करके लगातार इन्हां दी अगवाई दे विच पार्क जिहड़ा विकसित होया। वो ये पार्क दीआं दो तीन गल्लां बहुत रोशन ने, बहुत खूबसूरत ने। अजकल दी जीवन क्योंकि मनुख काफ़ी स्ट्रेस है, सवेर तो लैके शाम तक वर्किंग करता, जिहड़ा पुराना साडा वर्किंग स्टाइल ही काम करन दे तरीके वह कुदरती सन जिथों सानू कई कुछ मिलता ही, पर क्योंकि हुण सोसाइटी दे अंदर अपडेटिंग है, नवी तकनीक आ गई ने। सो जिहड़ा पुराना साडा काम ढंग जिहड़ा सीगा करन दा तरीका खुद शरीरक तौर पर काम करने, सो इस करके अज इस किस्म के पार्कों की बहुत वड्डी लोड़ आ मनुख नूं। सो अज मैनूं खुशी है कि कोठी पंडतां दे अंदर 1.61 करोड़ रुपए की लागत दे नाल इह पार्क जिहड़ा तैयार होया और लगभग 123 एकड़ दे विच 123 हैक्टेयर दे विच इह पार्क है और 4 किलोमीटर के लगभग जिहड़ी दे आले दुआले फेंसिंग है जिहड़ी बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई है। सो मैं शहर वासियों नूं बेनती करदा, इलाका वासियों नूं बेनती करदा कि इस पार्क का वध तों वध जिहड़ा आ उह लाभ लिया जाए। इत्थे साइकलिंग का भी काफ़ी वड्डे ट्रैक बने आ, इत्थे ई रिक्शा भी जिहड़ा शुरू मतलब जिहड़ा कीता गया और एक जिहड़ा बूथ भी आ लोकां दे इत्थे आउण लई कुछ खा पी सकण उहदा भी इंतजाम किया गया। सो मेरा सद्दा आ सब लोगों नूं भी करोड़ों रुपए की लागत नाल जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब नूं रंगला बनाने का जिहड़ा विजन चल रहा है, सो उस रंगलेपन दे विच अज एक होर रंग जिहड़ा कुदरती रंग जिहनूं आपां कह सकदे आ बहुत खूबसूरत जिहड़ा पार्क समर्पित किया। सो मैं जरूर जिथे अज खुशी महसूस कर रहा निजी तौर पर भी, हल्का भोए दे लोगों नूं भी काफ़ी वड्डी नियामत हैगी है, पर क्योंकि शहर के नेड़े भी लगता तो शहर वासियों नूं मेरी अपील है कि वह अपने परिवारों समेत इतने आन और इतने बहुत ही खूबसूरत मतलब जिहड़े तुहानूं कुदरती जानवर भी मिलणगे इतने, मतलब जिहड़े आ ऐसे जानवर मोर है, सांबर है, बाघ है, वो अपना जिहड़ा की कहिंदे उहनूं आपां खरगोश ने, छोटे छोटे जानवर ने, बाज ने,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ 8 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੈਂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਡ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 130 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜੇ ਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਯਾ, ਮੈਂ DFO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DU ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਿਨ 'ਚ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਿਕਨਿਕ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ।